सबसे पहले इंसान को अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। बाहर की राजनीति शायद संभल भी जाए, लेकिन हमारे घर का माहौल ठीक नहीं रहा। काम क्या है? बस वैसा ही काम है जो आप किया करते हैं। दिल बहलाने के लिए ही सही, लेकिन एक बार तुम रजनी वर्मा से मिलकर तो देखो। हाँ बेटा। दीदी का इंतजार कर रही हो? हाँ बेटा, वो कहना कि चुनाव का वक्त है तो थोड़ी देर हो ही जाती है। उसके पहले भी कौन सा वो सही वक्त पे घर आती थी? कभी मंत्री जी के साथ यहाँ जाना है तो वहाँ जाना है। माँ, दीदी की तो लाइफ स्टाइल ही यही बन चुकी है। मैं तेरी बातें समझती हूँ बेटा, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी है और वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से ही जीना चाहती है। माँ, मैं दीदी से छोटा हूँ इसलिए मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी आप पे तरस आता है। माँ, ये बात आप पहले भी नहीं समझ सकी थी और आज भी नहीं समझ रही कि अपने तौर तरीके पर जिंदगी जीने की आजादी देना ये कभी कभी उचित नहीं होता है। माँ, आपने दीदी को अपने ढंग से जीने की आजादी दे दी, कौन सी उनकी जिंदगी आबाद हो गई। माँ, बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, मैंने ही उसे बहुत आजादी दे रखी है। अभी तक तो दीदी अपनी परछाई के पीछे भाग रही है, एक वक्त ऐसा आएगा माँ कि दीदी भागते भागते थक जाएगी और खुद को अंधेरे में खड़ी पाएगी जहां उसकी परछाई भी उसे खो चुकी हो। आ गई बेटा? हाँ माँ। अरे संजय, तुम भी इसी वक्त आ रहे हो? हाँ दीदी, ऑफिस में क्लोजिंग चल रहा है इसलिए 2-3 दिन ज्यादा वक्त देना ही पड़ेगा ऑफिस में। आप बताइए दीदी, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? बड़ी उथल पुथल सुनने में आ रही है। सारी उथल पुथल तो मैंने ही मचा रखी है। जो बलदेव सिंह मेरी वजह से सुकून की नींद सोया करते थे और मैं उनके क्षेत्र में काम करती थी, उन्हीं बलदेव सिंह की नींद आज मेरी वजह से उड़ गई है, क्योंकि शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि ये चुनाव कोई और नहीं, मैं ही जीतने वाली हूं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं दीदी, भगवान करे इस बार आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। अरे बेटा, तुम थक गई होगी ना, जा जाके फ्रेश हो जा, मेरे लिए खाना गर्म करती हूँ। संजय तो खाएगा नहीं, वो देरी से आया ना ऑफिस से, हो सकता है शायद खा के आया हो। चल तू खा ले। होकर राजनीति शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन ये सोचकर कि कभी तो वो वक्त आएगा जब जनता समाज सेवियों को और सत्ता के लालचियों को पहचान सकेगी। धन्यवाद। उर्वशी जी, मीडिया से इस तरह से बात करना ठीक नहीं। मीडिया को लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता है। अफसोस तो इसी बात का है रस्तोगी जी,
कि मीडिया अपने काम को ईमानदारी से अंजाम नहीं दे पा रही है। कई बार कई मसलों पर ऐसा लगता है कि काश मीडिया के अंदर सच बोलने की हिम्मत होती। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। जी, लेकिन रस्तोगी जी, आपसे एक बात पूछूं, सही सही जवाब देंगे आप? हाँ, पूछिए। आपने जनता के सामने दावे किए थे, आपने घोषणा की थी कि अपनी पार्टी से एक मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? तब तक तो आपके दिमाग में गोपाल दुबे का नाम नहीं था, फिर अचानक आपने गोपाल दुबे को चुनाव में खड़ा करने का फैसला कर लिया? तो मेरी सोच ये थी कि वो सीट तो मेरी थी और मेरी ही रहनी चाहिए, इसलिए मेरी पत्नी शारदा का चेतना बहुत जरूरी है। तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी सोच समझ कर अपना उम्मीदवार उतारें, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार आप अपनी सीट गवा बैठे। क्या सोचने लगे रस्तोगी जी? शायद आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एक मिनट, देखिए देखिए, इसके पीछे कोई कारण नहीं। मैं अगर किसी पैसे वाले को खड़ा करता तो लोग कहते कि समाज सेवी और ईमानदार आदमी को छोड़कर पैसे वाले को खड़ा किया, इसीलिए मैंने गोपाल दुबे जी को खड़ा किया। ईमानदार हैं, समाज सेवी हैं, और ये तो सभी जानते हैं। अगर हमने गोपाल दुबे को खड़ा किया है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जीत उसी की हो। हम गोपाल जी को जिताने में अपनी जी जान लगा देंगे। जनता की हालत तो ऐसी है, ना वो कोई फैसला कर सकती है और ना किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। अब जनता की नजर तो मुख्यमंत्री के फैसले पर टिकी होगी कि इस केस को सीबीआई को सौंपें या ना। इस फैसले की नजर बलदेव सिंह की पर टिकी हुई होगी और इस बात को लेकर बलदेव सिंह के घर में भी हलचल मची होगी। कहाँ थे अब तक आप? कब से सब आपका इंतजार कर रहे हैं? माँ जी 3 बार आपके बारे में पूछ कर जा चुकी हैं। हाँ तो कह दो माँ से कि उनके दिखावे के प्यार का असर ना खत्म हो चुका है और किसी भी तरीके का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो माँ का प्यार दिखावा नजर आ रहा है? एक माँ होती है जो सबसे सच्चा प्यार करती है, और अब आपको वो भी दिखावा नजर आ रहा है? हाँ, मुझे दिखावा नजर आ रहा है, क्योंकि माँ और बेटे के प्यार के बीच में पापा आकर खड़े हो गए। और सच बताऊं, माँ के प्यार का बंटवारा हो चुका है। आपको क्या हो गया राजवीर? ये कैसी धुन छाई आपकी आंखों पर? ना तो आपको माँ का प्यार दिख रहा है और ना ही उस प्यार की सच्चाई को देख पा रहे हैं आप। आखिर हो क्या गया आपको? माँ के प्यार का एक इनाम जो आज मेरे गाल पर पड़ा था, वो अब तक महसूस हो रहा है मुझे। माँ के प्यार पर पापा का अधिकार हावी हो चुका है और मैं अपने लिए किसी से
प्यार या अधिकार की भीख नहीं मांगना चाहता। अधिकार कभी भीख नहीं होता राजवीर। काश काश कि आप थोड़ा सा सब्र करते तो आपको वो सब कुछ मिलता जो आप चाहते थे। आज तक तसल्ली का लॉलीपॉप ही तो दिया जा रहा है मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सोचकर बड़ा अजीब लगता है। तुम्हारे बारे में मैं कहूं तो क्या कहूं, आखिर हो तो तुम मां की समर्थक ना, तो क्या तुम्हारी भी सोच मां की तरह ही है? क्या इस बात से भी आपको ऐतराज है? नहीं नहीं, तुम्हारी समर्थक होने पे मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि एक तरफ माँ है जो अपने पति की आज्ञा पालन करने के लिए अपने बेटे को भी दरकिनार करने को तैयार है, और एक तरफ मेरी पत्नी जिसकी नजर में अपने पति की कोई अहमियत ही नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, पति का साथ देने की बजाय तुम पति को ही समझाती रहती हो। क्या क्या तुम भी उन लोगों की तरह? नहीं, तुम तो उन लोगों की तरह भी नहीं हो। तुम तो भूल गई हो कि पत्नी का फर्ज क्या होता है, और इसकी वजह यह है कि तुम उनकी पसंद थी और बस इस घर में बहू बनकर आ गई। शायद उसी बात का कर्ज चुका रही हो ना तुम आज तक, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम ना ही मेरी नजर में कभी अच्छी पत्नी बन पाई और ना ही उनकी नजर में अच्छी बहू बन पाई। चाहे तुम कुछ भी कर लो, उसे अदालत में लेके चलो। Thank you.
आज तो उस अपराधी को अदालत में पेश किया जाना था ना। अरे हाँ, चलो जाकर देखते हैं उसने क्या बयान दिया होगा। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। जिंदगी एक भंवर है। अरे अरे गोली कीजिए भाई, अरे एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुलाओ, अरे गोली चली गई, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बैठो। जिंदगी की भागदौड़ कभी खत्म नहीं होती है और इस भागदौड़ के बीच में हमें अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है। तुम चैन से नाश्ता तो कर लो पहले। नाश्ता तो मैंने कर लिया है ना माँ, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होंगे। चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ घुल मिल कर काम करना पड़ता है। चुनाव का माहौल तो अब है ना, पहले भी तुम घर पे कहाँ होती थी? देखो बेटा, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई। अपनी खुशियां पाने के लिए हर कोई संघर्ष करता है और संघर्ष करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि जितना तुम करती हो। उफ़ो माँ, तुम भी ना हर वक्त बस यही बात। मैं जब भी तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर ही बीच में काट देती हो। बेटा मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि तुम मेरे जीते जी शादी कर लो। इन बूढ़ी सासों का कोई भरोसा नहीं है बेटा, ये कभी भी जिंदगी की सांस छोड़ देगी। तुम शादी कर लो बेटा। मैंने इनकार तो नहीं किया है ना माँ, मेरे वर्षों के संघर्ष ने मुझे मंजिल की दहलीज तक पहुंचा दिया है। चुनाव के परिणाम तक थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, फिर आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। सच ना? कह रहे हैं आप कमल जी को किसी ने अदालत के सामने गोली मार दी? हाँ हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। बेटा तुम खुश हो या परेशान हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ टीवी ऑन कीजिए, कोई न्यूज आ रही है। अदालत में पेश करने ले जाते वक्त अदालत के सामने ही कमलजीत को गोली मार दी गई। जी हाँ, हम आपको ये बता दें, ये वही कमलजीत है जिसने पुलिस को ये बयान दिया था कि श्रीमती शारदा देवी पर गोली चलाने के लिए पैसे उनके पति वित्त मंत्री श्री बलदेव सिंह ने दिए थे। ये खबर सुनी आपने? कमलजीत को किसी ने अदालत के सामने गोली मार दी। इस खबर ने मामले को और उलझा दिया है। राजवीर कहाँ है बहू? आजी वो तो सुबह ही बाहर निकले। कल रात को देर से लौटा था ना वो, कहाँ गया? जी क्या कह रहा था वो? नाराज तो बहुत होगा, मैं भी कल रात भर सो नहीं पाई। जवान बेटे पर हाथ उठाना पड़ा। माँ जी, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए माँ तो हमेशा माँ ही रहती है। काश कि ये बात राजवीर समझ पाते। वो नहीं समझेगा बहू, आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है। आजकल बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से भी अपने आप को बड़े समझने लगते हैं। वो गया कहाँ? कुछ नहीं बताते हैं माँ जी, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, और पूछो तो ना तो बताना चाहते हैं
और ना ही ठीक से बात करते हैं। कोई बात नहीं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज तो उस अपराधी को अदालत में पेश किया जाना था ना। न्यूज में आ रहा होगा। अरे हाँ, चलो जाकर देखते हैं उसने क्या बयान दिया होगा। मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। कल पापा ने इस केस को सीबीआई को देने की बात की थी और आज आज उस अपराधी को मार दिया गया है। जिंदगी एक भंवर है। पापा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी मांगे की थी, कहा था कि इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। पापा ने जो गुब्बारा फुलाया था ना, आज उसकी हवा निकल गई। राजवीर, तुम बात करने की तमीज और तहजीब भूलते जा रहे हो। मैं सिर्फ सच बताना चाहता हूं। सच हमेशा सुनने में कड़वा और तीखा होता है, लेकिन उसे सुनना भी पड़ता है और मानना भी पड़ता है। पापा के समर्थक तो आपको इस सच्चाई के दर्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन अब आप राजनीति में उतरी हैं तो इस सच्चाई को समझने की जरूरत है आपको। अब किस सच्चाई की बात कर रहे हैं आप? उसी सच्चाई की कि पापा की सल्तनत की दीवारें अब ढहने वाली हैं। चुनाव जीतने के सपने अगर पालने हैं तो पालते रहिए, लेकिन उन सपनों के बिखरने के समाचार चारों तरफ फैल रहे हैं। कल पापा ने इस केस को सीबीआई को देने की बात की थी और आज आज उस अपराधी को मार दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है और तुम हम ही पर इल्जाम लगा रहे हो। सवाल हमने किया सर, जवाब आपको देना ही होगा। खामोश! नहीं तो मैं अपनी हाथ मार कर जाऊंगा। जनता इंतजार कर रही है सर, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। जवाब चाहिए मेरा, ये ले जवाब, समझे? चुनाव के इस दौर में ऐसी खबरें हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्या इस बात को संभालने का कोई रास्ता नहीं है?